झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। उपचुनाव के सवाल पर आलमगीर आलम ने बताया कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे। अब पार्टी आलाकमान को तय करना है कि वह किसे रामगढ़ से चुनाव लड़ाती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर वह उच्च न्यायालय में अपील पर जाएंगे और विधायक ममता देवी बरी होंगी। उपचुनाव के सवाल पर राजेश ठाकुर ने बात करते हुए बताया कि निश्चित तौर पर ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी जो जनता के बीच जीतने का दम रखता हो। इस दौरान उनके साथ बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला, बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, ये न्यायालय में है, अब देखिए उम्मीद तो रखते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए बिल, और हमारा विधायक एक साथ हम लोग 3 साल तक लगातार काम किए हैं और अच्छे काम भी कर रही थी अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी आज जेल में है तो उसको देखने के लिए आए, कैसे है नहीं है, बस इतना ही और कोई विशेष कोई काम नहीं। क्या कुछ क्या टिकट की संभावना है, किसे प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है? वो तो आलाकमान तय करते हैं, आलाकमान ही तय करेंगे, लेकिन इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार होगा, गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जो भी होंगे कांग्रेस पार्टी से उसका टिकट मिलेगा। गठबंधन समर्थित हम लोग हैं और 4 उपचुनाव हम लोग जीते हैं और इस चुनाव भी, रामगढ़ का चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। पूर्व में देखा गया कि परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया गया है, जब भी किसी को जेल हुआ है या उन्हें वही फॉर्मूला आएगा? पहले ने कहा कि आलाकमान हर बिंदुओं को देखने के बाद ही उम्मीदवार का टिकट किसको देना है नहीं देना है वो तय होता है। जो पैनल बनता है 3 आदमी का पैनल बनकर जाता है, हर आदमी का अपना समीक्षा किया जाता है और कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, लोकप्रिय है, वैसे लोग को ही टिकट दिया जाता है। देखिए, हमारे विधायक को पिछले दिनों सजा हो गई थी और निश्चित रूप से एक हम लोगों का अध्यक्ष होने के कारण दायित्व बनता है कि अपने विधायक का हाल चाल समय समय पर पूछता रहूं। उस निमित्त हम लोग आए थे और निश्चित रूप से जब से जेल में है तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो नया साल आ रहा है, पुराना साल गुजर रहा है, तो नए साल की शुभकामना भी है। और देखिए, ये न्यायालय में है, अब देखिए उम्मीद तो रखते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए बिल, और हमारा विधायक एक साथ हम लोग 3 साल तक लगातार काम किए हैं और अच्छे काम भी कर रही थी अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी आज जेल में है तो उसको देखने के लिए आए, कैसे है नहीं है, बस इतना ही और कोई विशेष कोई काम नहीं। क्या कुछ क्या टिकट की संभावना है, किसे प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है? वो तो आलाकमान तय करते हैं, आलाकमान ही तय करेंगे, लेकिन इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार होगा, गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जो भी होंगे कांग्रेस पार्टी से उसका टिकट मिलेगा, गठबंधन समर्थित हम लोग हैं और 4 उपचुनाव हम लोग जीते हैं और इस चुनाव भी, रामगढ़ का चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। पूर्व में देखा गया कि परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया गया है, जब भी किसी को जेल हुआ है या उन्हें वही फॉर्मूला आएगा? पहले ने कहा कि आलाकमान हर बिंदुओं को देखने के बाद ही उम्मीदवार का टिकट किसको देना है नहीं देना है वो तय होता है। जो पैनल बनता है 3 आदमी का पैनल बनकर जाता है, हर आदमी का अपना समीक्षा किया जाता है और कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, लोकप्रिय है, वैसे लोग को ही टिकट दिया जाता है। देखिए, हमारे विधायक को पिछले दिनों सजा हो गई थी और निश्चित रूप से एक हम लोगों का अध्यक्ष होने के कारण दायित्व बनता है कि अपने विधायक का हाल चाल समय समय पर पूछता रहूं। उस निमित्त हम लोग आए थे और निश्चित रूप से जब से जेल में है तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो नया साल आ रहा है, पुराना साल गुजर रहा है, तो नए साल की शुभकामना भी है और उनसे मिल करके उनका हाल चाल जाना है। जहाँ तक न्यायालय की बात है, निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे और सारी बातों को रखेंगे कि किस तरह से एक आंदोलन के मामले में इस तरह की सजा हुई है और इसको कैसे सजा को कमतर किया जा सकता है, उस पर हम लोग अपील में जाएंगे। रामगढ़ में चुनाव को लेकर क्या कुछ कांग्रेस देख रही है? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि चुनाव अच्छे तरीके से हो, सही तरीके से हो और चुनाव में ऐसा उम्मीदवार हो जो चुनाव जीत सके और
निश्चित रूप से हम लोग उन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। पहले तो ये तय हो जाए कि विधायक जी की जो सजा हुई है उसको हम उच्च न्यायालय में लेके जाते हैं, और अगर 5 साल की सजा 1.5 साल हो जाती है, 6 महीने हो जाती है, तो दोबारा चुनाव होगा तो वो तो विधायक हम तो अपना विधायक मान के ही चलते हैं। ठीक है, अपना न्यायालय का काम है, अपना न्यायालय ने अपना काम किया है, उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी बात को रखेंगे, क्या पता सजा कम हो जाए। आज विधायक जी से क्या कुछ वार्ता? निश्चित रूप से हालचाल जानने आए थे, और हालचाल जाना है, बातचीत क्या होगी ऐसे।